भाई इसमें से इतनी गर्म हवा आ रही है, ये अंकल भी बाहर चले गए ऑटो से उठ के। ओ भाई साहब, ओ हो ब्रो, राइडर। ये सड़क इतनी खाली दिख रही है, मुझे लगता नहीं आगे जाके इतनी खाली होगी, लेकिन बोला था ना ये सड़क खाली दिखती है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, अमेजोन वाला आया। मैं व्लॉगिंग बीच में कर नहीं रहा था क्योंकि मैं सोचा था माइक वगैरह अच्छे से अगर फिट कर लूँ, अच्छी आवाज़ आएगी तो व्लॉग करने में मज़ा आएगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये माइक मैंने मंगाया है, ये माइक है स्मैशट्रॉनिक्स कंपनी है, इसका माइक है। इसे मैं हेलमेट के अंदर फिक्स करूँगा। और साथ में आया है, मैंने एक्चुअली काफ़ी चीज़ें मंगाई हैं, तो अभी फ़िलहाल मेरे हेलमेट की 2 चीज़ें आ गई हैं, ये अच्छी बात है। ये मैं हेलमेट में लगा के देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। ये मैंने लगा रखा है, ये एमसील से चिपका रखा है। करते हैं, अब हो गया फिट। ओके, सो ये हो गया सेटअप मेरा। नाइस, बट अब मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। मैं माइक सेटअप करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी वॉइस आ रही है। मैं इसको माइक अडेप्टर में लगा कर डायरेक्ट कर रहा था तो नहीं चल रहा था, फिर मुझे याद आया कि ये जो 3 वाला होता है, आप देख लेंगे 1, 2, 3 ब्लैक वो है लाइन, इसमें ये नहीं काम करता है। एक्चुअली ये कनेक्टर चाहिए होता, तो ये कनेक्टर मुझे साथ ही मिला था, तो अब ये कनेक्टर इसके साथ कनेक्ट करके देन माइक अडेप्टर में, ये मैंने माइक अडेप्टर लिया है इसमें लगा दिया। देन आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, जिन्होंने नए नए लिया मैं उन्हें बता रहा हूँ, सेटिंग में जाके, मोड्स में जाके, मीडियम मोड में जाके स्टैंडर्ड माइक पे क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर वाला चल जाएगा। वायर की सेटिंग मैंने कर दी है इसमें, मैंने अंदर माइक लगा दिया, दिखाऊंगा बाद में। फिर यहाँ पे अच्छे से वायर को अंदर से पूरा, क्योंकि पैडिंग वाला है मेरा हेलमेट तो रिमूवेबल है, फिर मैंने वायर अच्छे से सेट करके यहाँ पे सेट कर दिया। माइक भी टेस्ट किया, अभी आवाज़ तो आ रही है लेकिन बाहर कैसी आवाज़ आती है, वो नॉइज़ कैंसिलेशन में है। वैसे दिया तो था कि नॉइज़ कैंसिलेशन है, लेकिन वर्क करता है नहीं करता वो पता नहीं, वो भी पता चलेगा तो मैं बाहर निकलूँगा फिर देखूँगा उसको, फिर उसकी माइक टेस्टिंग हो जाएगी। टायर ही पंचर हो गया। चलो ओके जी, अभी मुझे पता नहीं माइक की आवाज़ कैसी आ रही होगी, ये वाइज़र मैंने बंद कर लिया, अब शायद डिफरेंट आवाज़ आ रही होगी। विंड का पता नहीं मुझे, विंड ब्लास्ट कितना आ रहा है, कैमरे का एंगल मुझे अभी कुछ भी नहीं पता कैसा है, कैसा चल रहा है, अभी मैं जाकर चेक करूँगा। मैं घर से निकला और मुझे स्कूटी मिली पंचर, निकलते ही थोड़ी सोसाइटी से बाहर निकला और स्कूटी पंक्चर मिल गई, थोड़ा रुकना पड़ गया, पंक्चर लगवाया, पुराना ही पंक्चर था वो वापस बड़ा हो गया था। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, अगर ये माइक सक्सेस रहता है तो मेरे लिए बहुत खुशी वाली चीज़ होगी, क्योंकि यार वो फ़ोन में अलग से रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद मतलब अलग अलग ना दिमाग ख़राब हो जाता था भाई मुझे, फिर वीडियो ऑडियो अलग अलग लेकर फिर उसे मर्ज करना पड़ता था और ऑडियो अलग से डालना पड़ता था, तो कोई फ़ायदा नहीं है। 2 पैसे लगाकर अगर थोड़ा टाइम बचता है एडिटिंग में, मज़ा भी आता है फिर। तो अभी मैं जा रहा हूँ तिलक नगर, तिलक नगर में मेरे एक स्टूडेंट है क्यूट सी राघवी, उसकी क्लास है, देन उसके बाद मैं जाऊँगा ITU, वहाँ मुझे खुद की क्लास लेनी है अपनी, जहाँ मैं खुद सीखता हूँ। ITU जाना है, गांधर महाविद्यालय। राघवी की क्लास 2:30 थी, लेकिन आई थिंक मैं पहुंच जाऊंगा, शायद 2:09 हो रहे हैं। अब मेरे लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ ये हो गई है कि अगर बारिश आएगी तो मैं GoPro यूज़ नहीं कर सकता, कदाप भी नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि जो उसका जो वाटरप्रूफ वाला कवर होता है वो निकालना पड़ता है जब हम माइक अडेप्टर लगाते हैं, तो ये माइक अडेप्टर लगाने के बाद तो वाटरप्रूफ तो आप भूल जाइए, फिर भी मैं देखूंगा कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होता होगा। स्कूल्स ओपन हो गए जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और ये टाइम 2 बजे स्कूल्स में छुट्टियां होती हैं, सभी लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं, सारे छात्र और छात्रा
बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो माइक टेस्टिंग के लिए है, जो भी मैंने कैमरा सेटअप किया है उसके लिए है। भाई इसमें से इतनी गर्म हवा आ रही है, ये अंकल भी बाहर चले गए ऑटो से उठ के बहुत तेज़ गर्म हवा आ रही है। दिल्ली में आधे से ज़्यादा गर्मी तो इनकी वजह से ही होती है शायद, मतलब जब लेट हो रहे होते हैं तो और ज़्यादा लेट हो जाता है। इस रेड लाइट को क्रॉस करने में मतलब 3 बार ग्रीन हो चुका सिग्नल, तब मैं जाकर पहुँचाऊँ, तब मैं क्रॉस कर पाया, मतलब हद है यार। हार्डली 20-25 मिनट का रास्ता है, फिर भी इतना टाइम लग जाता है। आज मैं ट्रैफिक से बहुत परेशान हूँ। क्लास तो 2:30 बजे थी, पहले हुआ पंचर, 2:32 हो चुके हैं ऑलरेडी। 2:32 PM क्लास थी, 2:30 PM हम लेट चल रहे हैं, और जैसे अभी हालात हैं हमें लगता है आधा घंटा और लगेगा। आपको इस टाइम पे हर जगह पीली पीली बसें नज़र आएंगी। तो ये जो पीली पीली बसें हैं ये अलग अलग विभिन्न भिन्न भिन्न स्कूल्स के हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ जाता है। ये बसें 2 बजे निकलती हैं और 3 से 4 बजे तक सड़कों पे दिखेंगी आपको, उसके बाद ये घर घर खेलती हैं। तो ये है इन पीली बसों की कहानी। अभी थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं, जल्दी पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 1 hour later तो यहाँ की क्लास कंप्लीट हो गई, अब मैं निकल चुका हूँ ITO के लिए। आज पता नहीं यार मन सा नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन जाऊंगा, क्लासेस मिस नहीं करनी है। चल लो भाई चल लो, आज पता नहीं ट्रैफिक ही ट्रैफिक क्यों मिलता है मुझे, सुबह से ट्रैफिक ही मिल रहा है सिर्फ। अभी यहाँ से मैं लेने वाला हूँ धौलाकुआ वाला रास्ता, तो तिहाड़ के रास्ते से। आज पता नहीं किसका शक्ल देख कर उठा था मैं, वैसे तो ब्लैकी का ही देख के उठता हूँ मैं। भर भर के ट्रैफिक, ए पीछे एक पे पे पे, पीपड़ी। ओ ये क्या गिर गया, कवर उड़ गया इस गाड़ी वाले का मैं डर गया अचानक, क्या हुआ। मैं यहाँ रेड लाइट पे खड़ा हूँ और ये जोमेटो वाले भैया दो दो तिरंगा, क्या बात है। ये है राजपूताना राइफल, ये देखिए पहाड़ का सीन दिया हुआ है, ऊपर सारे फौजी खड़े हैं। LOC में आपने देखा होगा राजपूताना राइफल्स को बुलाया गया था, उन्होंने जीत हासिल की थी तो वो दिखाया गया है। इतनी सारी जगह पे तिरंगा लगा पड़ा ना, बहुत अच्छा लगता है देखकर। गोरे बादल काले बादल, हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। आज एक्चुअली 16th of August है, मैंने कल व्लॉगिंग नहीं की थी, अब मैं ट्राई करूँगा, मैं रेगुलर व्लॉगिंग करता रहूँ। आई होप अभी तक जितने भी कंटेंट मैंने डाले थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगा होगा। भाई पूरे दिल्ली को तिरंगे से सजा दिया है, हर जगह तिरंगा, क्या बात है, हर घर तिरंगा। ये हम पहुंच गए अकबर रोड, अब यहाँ से फॉलो करना है अकबर रोड, सिर्फ अकबर रोड। और यही हम पहुंच गए इंडिया गेट सर्कल,
यहाँ भी बहुत काम चल रहा है, अभी भी काफ़ी चीज़ें नई नई बना दी हैं, नए नए रास्ते, नई नई पार्किंग, आई थिंक बोटिंग वगैरह के लिए भी उस साइड बनाया है नया, कुछ मज़ा आएगा। ये अपना इंडिया गेट, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अंकल ये पीपी, टाइम से पहले पहुंच गया, 5 बजे की क्लास थी, अभी टाइम पर 4:38, सो पहुंच गया मैं टाइम से। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, हम पहुंच गए। अभी मैं अपनी क्लास लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। यहाँ करते हैं पार्किंग। हाँ जी, ITO से तो निकल चुके हैं, अब यहाँ से मैं लूँगा CP के साइड, CP से फिर वापस हम घूम फिर के पहुंच जाएंगे अकबर रोड। मेरा आज का व्लॉग सिर्फ माइक टेस्टिंग के लिए था मेन, मेरे ख्याल से अच्छी आवाज़ आ रही है तो गला बैठ गया आज यार। CP पहुंच गए, ये है CP के नज़ारे। अब बहुत लंबी लंबी रेड लाइट है, ओ भाई साहब, ओ हो ब्रो, राइडर। ये दीदी खतरनाक राइडर है, हेलमेट पहना नहीं भगा रही है और ऊपर से राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट साइड ले रही है। ये शाम को इंडिया गेट, और इंडिया गेट में आए हुए लोग, क्योंकि अब शाम भी हो गई है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को नज़र आएंगी नहीं, तो मेन मेरा काम था व्लॉग में आज ये दिखाना, मेरा जो सेटअप हुआ है, मेरा जो सेटअप हुआ है मोटो व्लॉगिंग का, वो कंप्लीट है। अब अगर आवाज़ अच्छी आएगी घर जाकर, तो नहीं आएगी तो मुझे वाह 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 क्या मोड़ा है, नहीं आएगी तो मुझे फिर से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा क्या क्या कमियां, जो भी कमियां होंगी उसको सुधारूंगा, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले का रहम है, अपना कर्म है। ये सड़क इतनी खाली दिख रही है, मुझे लगता नहीं आगे जाके इतनी खाली होगी, लेकिन होना चाहिए, अपने को घर पहुँचना है। बोला था ना ये सड़क खाली दिखती है, प्योर ट्रैफिक। बहुत देर से खड़ा हूँ, कैमरा तो अब ऑन किया है। तो अभी मैं लगभग पहुँच ही चुका हूँ, तो आज के व्लॉग को यहीं पे बंद करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, अभी मुझे पता भी नहीं है, अभी घर जाके पता चलेगा कि व्लॉग अच्छे से बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि वीडियो तो आ गई होगी, नो डाउट अच्छी आई होगी, लेकिन ऑडियो का मुझे डाउट हो रहा है, ऑडियो में कहीं प्रॉब्लम ना हुई हो।
ऑडियो अगर अच्छी आ गई हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे जितने भी लोग नए आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चिकन वाला खुला है क्या? खुला है।